हिमाचल की वादियों में वॉक करने जा रहे हैं और संडे को भी घुमाने लेके जा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, संडे ने मेरे को घुमाया। ये देखो सूरज देव तो सिर पे आ चुके हैं। चंडी आगे नहीं जाएगा जबकि घूमने के लिए इतना खुश रहता है। अब वो दिख नहीं रहे ना तो चंडी पीछे होगा। चंडी आ रहे देखो जी, हवा में लटकता वो घर, वो देखो। बारिश रात को बहुत ज़्यादा, और आज शादियाँ हैं, आज का शादी है तो आज ना सारे सूट जो जितने भी हैं वो अपने अपने आप सिले। इसमें हमारे में मतलब यही रही एक जो जी। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और मेरी सुबह हिमाचल की वादियों में वॉक करने जा रहे हैं और संडे को भी घुमाने लेके जा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, संडे ने मेरे को घुमाया दौड़ा दौड़ा के। आज असली वॉक हो रही है। ये देखो संडी महाशय, संडी ने मुझे दौड़ा दौड़ा के ना शंडू राम आ जा, शंडी राम जा रहा है शंडी राम शेयर करने, पर इसने मुझे दौड़ा दौड़ा के ना। अरे ये देख वादियाँ, सुबह सुबह हिमाचल की वादियाँ बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो सूरज देव तो सिर पे आ चुके हैं। और ये देखो कुनिहारी असत, अरे देखो बाबा बाबी, ये देखो बुढ़े जो जवान है वो आगे आगे दौड़ रहे दोनों, और बुढ़े बुढ़े पीछे पीछे है। आप लोगों को ना संडी के ड्रामे दिखाती हूँ, ये तो उसे पीछे ही रहे हो थोड़ा सा। ये देखना है इसको, ये मेरे साथ जा रहा है और इसको दोनों चाहिए पीछे, अगर वो नहीं दिख रहे ना, ये देखना है इसका, देखते रहना, वो वहीं खड़ा हो जाएगा अगर वो नहीं दिखेगी। इसकी मैडम उल है, ओ देख मोर बोल रहे हैं, आधा आधा आधा, ये देख, ये देखो इसको जरा, वो दिखने चाहिए इसको पीछे, नहीं दिखेगा तो संडी वहीं खड़ा हो जाएगा। ये देखना अब इसको दिख नहीं रहे ना, ये देखो वो उसको दिख नहीं रहे ना, पीछे हट गया। चंडी आगे नहीं जाएगा जबकि घूमने के लिए इतना खुश रहता है। अब वो दिख नहीं रहे ना तो चंडी पीछे होगा। चंडी आ रहे चल 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 आ रहे, वो जाएगा नहीं, ये देखो वो झुक गए पीछे पीछे हट गया था। चंडी मैं बदतमीज कहीं का, मैं जा तेरे साथ। ये चंडी देखो चंडी का प्यार। वो देखो इतना सुंदर पूरा उसका वो सफेदा बोलते हैं हमारे के, जिससे ना पेपर बनता है सफेदा, वो देखो सुन। और मोरों की आवाज़ें, चिड़ियों की आवाज़ें, सुबह सुबह बहुत सुंदर लगता है। हाँ मोरों की आवाज़ें सुनाऊंगी, मुझे दिख तो रहा नहीं कहीं। ये देखो जी गांव की मौज, ये होता है गांव में। शहरों में किराए पे लो, पैसे दे के खरीदो, और ये देखो गांव में ना ऐसे होता है। ये सारे बर्तन एक घर से मिल गए शादी के लिए, ये देखो बस धोने हमने और काम खत्म। ये जी कुनिहार की वादियाँ, और फिर से एक बार कुनिहार की वादियों में देखो जी हवा में लटकता वो घर, वो देखो। Early the next morning. Good morning, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और मेरी जैसे कि आपको पता है हिमाचल में मॉर्निंग्स हो रही हैं आजकल। मैं अभी कुछ दिन यहीं पे हूँ, और क्यों हूँ किस लिए आई हूँ वो आपको आगे आगे देखने को मिल जाएगा। तो देखो आज मौसम फिर से गंदा हो गया, तीन चार दिन से तो धूप थी यहाँ पे, लेकिन आज मौसम ना फिर से कह रहे हैं बारिश हुई है कुछ इलाकों में। यहाँ तो खैर नहीं हुई जहाँ पे मैं हूँ, लेकिन बाकी जगह में बारिश हुई है। और मैं दिखाती हूँ मौसम, देखो जरा आज का, ये देखो मौसम, ये देखो
बादल और बारिश के आसार, और ये देखो मॉर्निंग व्यू गांव का। यहाँ से तो खैर व्यू कम ही दिखता है, आगे जाके जब वॉक पे जाते हैं तब तो व्यू दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो सराउंडिंग में सारे घर हैं। ये बैक साइड है घर के, ऊपर पूरा जंगल है, और इस जंगल में ना जीव जंतु ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जंगल बस इसके ऊपर पूरा जंगल है सरकारी। और ये गऊ गऊ शेड है जहाँ पे गऊ बांधते हैं, अंदर एक गऊ इनके पास। सैंडी वेट में है, वॉक पे जाना है, सैंडी पूरी वेट में है, जंतु पूरी वेट में है। और ये वो बर्तन है जो उस ओकेजन के लिए आए हैं, ये देखो बर्तन। मतलब गांव का ना यही सुख है गांव में ना, ये देखो मतलब एक जो बर्तन है ना सारे एक घर से मिल गए हैं, कोई बाहर से नहीं वो करना, अभी बाहर से लेके आने हैं ये सारे, ये देखो। और गांव में इन्हीं उसमें वो बनता है, खाना बनता है। वैसे तो यहाँ पे जो हमारे टोकने बोलते हैं, पीतल के होते हैं बड़े बड़े बर्तन, उनमें बनता है, लेकिन क्योंकि गैस पे बनता है अब, और बाहर बनाना है मतलब घर पे नहीं बनाना है, तो इन बर्तनों में बनेगा गैस पे। Day two. गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत, आप लोगों का दिन शुभ हो। और ये देखो मेरी मॉर्निंग तो बताइए आपको, यहाँ पे हिमाचल में हो रही है बारिश ही रात को बहुत ज़्यादा, और आज शादियाँ हैं, आज का साहब भी है तो आज नानकियों के हैं, बहुत सी बहुत शादियाँ हैं, तो उनके वहाँ तो शायद पानी पड़ चुका है बेचारों के, होता ही बहुत मुश्किल हो जाती है बारिश हो तो। लोगों ने इंतजाम किए होते हैं बहुत अच्छी तरह से, और गांव में जैसे कि आपको पता है ज़्यादातर लोग वो टेंट वेंट खेतों में लगा के करते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं होटल है कि आपको अंदर होना है तो बाहर होना, तो उन लोगों के लिए बेचारे के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। पूरी रात बिजली कड़कती रही, बारिश होती रही, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो चलो भगवान जी बंद कर दो, अब शादी होने दो। ये देखो जी रात को ये बारिश जम के, बहुत बारिश हुई रात को बहुत ज़्यादा, और अभी भी मौसम गंदा बना हुआ, और शादियां हैं। और ये देखो कितनी बारिश है, चंडी को देखो, चंडी की मस्ती, शैंडू की मस्ती, शैंडू की मस्ती, शैंडू की मस्ती, शैंडू की मस्ती। और ये देखो बर्तन ना धो धो के इस तरह से साफ करके, इसके अंदर भी बर्तन ही बर्तन है बस, मतलब ये भी तैयारियाँ हो चुकी हैं। और मौसम जो है भगवान बस जितना बरस ना बरस ले, लेकिन नहीं आज भी शादियाँ हैं भाई, आज नानकियों का वो है, तो जिनके शादियाँ बेचारों को उनके लिए तो मुश्किल है। अरे हम मॉर्निंग वॉक पे आए थे, और ये देखो ऊपर ना, वो देखो ऊपर पेड़ पे दिखाती हूँ मैं आपको, मोर अचानक ही दिख गया, एक नीचे से आ रहा है, और ये देखो ये देखो ये देखो ये एक नीचे से चल रहा है, और एक ना पेड़ पे बैठा हुआ ऊपर। और ये देखो ये है गांव है साथ में जहाँ पे हम आपके मतलब जो सिस्टर का घर है ना उससे थोड़ा आगे गांव है, नमोल बोलते हैं इसको। और व्यू देखो नीचे का ना बहुत सुंदर है, मतलब बारिश के बाद ना इस तरह लग रहा है जैसे मतलब नया नया इस पे पेंट हुआ। और ये देखो स्टिल बादल है आज, और बहुत सुंदर व्यू लग रहा था, बहुत प्यारा बिल्कुल मतलब फ्रेश फ्रेश सा। और ये देखो पत्ते मतलब इतने साफ साफ पत्ते लग रहे हैं ना बारिश के बाद, और घर पता कैसे लग रहे थे, जैसे इसमें ताजा ताजा पेंट हुआ हो, मतलब ना इतने सुंदर लग रहे थे बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छा गांव है ये। मोमेंट्स लेटर। तो जी ये देखो लड़की अम्मा का सूट, लड़की अम्मा कर रही है लाली मेरे लाल की, ये देखो वो अपना सूट सिल रही है, मतलब लगभग लगभग बाकी तो खत्म हो चुका है खैर सारा काम, और क्योंकि ये हमारा वो है बुटीक वाला है, हाँ तो वो अपना अपने इसमें सारे सूट जो जितने भी हैं वो अपने अपने आप सिले, इसमें हमारे में मतलब यही रही है एक जो जो इसके ऊपर पैसा लगाया गया उसका वसूली कर रही है। हम दो बहने तो घर जी को डिपेंड है, सीखा तो हम दोनों ने भी था, पर चलो हमने कर लिया, भगवान इसके बाजुओं में ताकत रखे, दम दे इसके बाजुओं को, एक करती रहे हमारी बाजुओं तो बैठेगी भाई। तो बस सिलाई कर रही है वो सूट की अपने, यही होता है देखो गांव में मजे।